नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ कामिनी शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सेहत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आप तक पहुंचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हम अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से रोजमर्रा में पेश होने वाली उन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल बीमारियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं, लोग इन बीमारियों से काफ़ी ग्रस्त हो रहे हैं। आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारी इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिका गर्ग। सबसे पहले हम डॉक्टर आपका स्वागत करना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर रुचिका गर्ग जी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर हैं SN मेडिकल कॉलेज में, और आज हम डॉक्टर के साथ चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली परेशानियों के बारे में, किस तरीके से एक प्रेग्नेंट महिला को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, और साथ ही हम आजकल सर्वाइकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है इसके बारे में भी आजकल हम जानकारी डॉक्टर से जानेंगे। सबसे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसके लिए खास खुशी का माहौल होता है, तो उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं? तो नमस्ते दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छा टाइम है जिस समय आप अपने आगे आने वाले बच्चे के लिए और खुद के लिए किस तरीके से ध्यान रख के अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ डॉक्टरी चेकअप समय समय पर बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ही आप प्रेगनेंसी को हम तीन ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, पहले 12 हफ्ते, फिर 28 हफ्ते तक, फिर उसके बाद, तो ऐसे 40 हफ्तों तक हम प्रेगनेंसी को लेते हैं। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उससे हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फर्स्ट विजिट पे ही आपके कुछ टेस्ट ज़रूरी हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपका, जिससे कि खून की कमी आजकल महिलाओं में बहुत देखी जाती है, क्योंकि डाइट इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, आयरन की कमी हो सकती है, या कुछ एनीमिया के और भी कारण हो सकते हैं जो थोड़े जैसे थैलेसीमिया वगैरह, ये सब के स्क्रीन आउट कर सकते हैं। VDRL या सिफिलिस या कुछ इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह HIV और हेपेटाइटिस के डॉक्टर आपकी जांच करेंगे। आपका ब्लड ग्रुप बहुत ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ब्लड शुगर डॉक्टर चेकअप होना चाहिए, और जिससे हम जान सकते हैं कि पेशेंट प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको पहले से ही डायबिटीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ के साथ ही वो कंसीव तो नहीं किया है। थायराइड की जांच हो सकती है, और यूरिन बहुत ज़रूरी है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है या यूरिन में और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके साथ ही एक बेसिक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका ये पता चल जाएगा कि बच्चे यूट्रस में है कि नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, बच्चे की धड़कन कैसी है, और साथ में कुछ और अबनॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है, जैसे कि एडनेक्सा में या फिर जैसे ट्यूब्स या ओवरीज में, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आपकी डाइट पे आपको एडवाइस दी जाएगी। ब्लड टेस्ट के अलावा आपको जैसे कि शुरुआत के कुछ महीनों में मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी या जी मिचलाना की शिकायत रहती है, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा खाना कम इंटरवल पे खाते रहें, मतलब कि बहुत लॉन्ग गैप नहीं होना चाहिए, और रात के बाद जो सुबह ज़्यादा गैप हो जाता है तो उसको अवॉइड करना है, और स्पाइसी, ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसालों का खाना नहीं खाना है, समय पे डाइट लेनी है, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर आपको वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देगा। उसके बाद आपको अपने डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स और सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, एडिक्वेट प्रोटीन्स होने चाहिए। उसके लिए आप जैसे कि अंकुरित दालें खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, या मीट या फिश ले सकते हैं। फिश में DHA होता है जिससे कि बच्चे का ब्रेन का और अच्छा विकास होता है। तो डाइट में शुरुआत के कुछ महीनों में डॉक्टर आपको फोलिक एसिड देंगे, तो प्रॉपर फोलिक एसिड लेने से बच्चे में जो रीढ़ की हड्डी में कुछ डिफेक्ट होते हैं, जिन्हें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान भी कर रही हैं
उनको भी फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। तो पहले 3 महीनों में तो यही केयर है। प्रेगनेंसी में वेट गेन की बहुत इम्पोर्टेंस है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में वेट गेन शायद हो या नहीं हो, या 1-2 kg इज़ ओके, उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में 5 kg और उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में 5 kg। तो एक जो लेडी जिसका एडिक्वेट वेट है, मतलब जो नॉर्मल वेट में आती है, उसका 11 से 12 किलो वजन भरना प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल है। अगर वो कम वेट है, अंडर वेट लेडी है, तो वेट ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और ओबेस या मोटापे की शिकार महिलाओं में हम कहेंगे कि उनका वेट थोड़ा कम बढ़ना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट 3 मंथ्स की बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी रेगुलर चेकअप ज़रूरी है, जिसमें लोगों में आम धारणा है कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे को नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड हैं जो ज़रूरी हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि प्लेसेंटा का लोकलाइजेशन कैसा है, जो आवल नाल है वो सही जगह पे है कि नहीं है, और बच्चे की हार्ट रेट वगैरह, जैसे मैंने बताया, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं है, बच्चे में कोई अनुवांशिक बीमारियां तो नहीं है, कॉन्जेनाइटल एनामलीज तो नहीं है, बच्चे का हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, लाइकर या पानी जो बच्चे के आसपास होता है जो बच्चे को ऑक्सीजन और ग्रोथ प्रोवाइड करता है वो है कि नहीं है। और आपके नेक्स्ट विजिट्स में डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से कई समस्याएं, जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और अगर हीमोग्लोबिन कम है या वैसे भी प्रेगनेंसी में ही खून RBCs का ज़्यादा बनना चाहिए ताकि बच्चे और माँ की पूर्ति हो सके, तो उसके लिए डॉक्टर आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। ब्लड दूध डॉक्टर पेशेंट को अच्छे से लेना है, क्योंकि दूध इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। साथ ही हरी साग सब्जियाँ लेना है, कब्ज से दूर रहने के लिए फ्रूट्स अच्छे से लेने हैं और हरी साग सब्जियाँ, आप सलाद अच्छे से खाइए ताकि आपके विटामिन एंड मिनरल्स की पूर्ति होती रहे, और एडिक्वेट जो है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि इसमें आलू या चावल चीनी वगैरह में होते हैं, और फैट्स, कुछ सैचुरेटेड फैट जिसे घी कहते हैं थोड़ा सा वो लीजिए, और थोड़ा सा अनसैचुरेटेड फैट या तेल लीजिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। और वेट गेन और सारे साइंस एंड सिम्टम्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट के 3 मंथ्स में भी एक बेसिक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ पता चल जाएगी और पानी ठीक है कि नहीं है, और बिल्कुल ही लास्ट के अल्ट्रासाउंड में बच्चे की पोजीशन कैसी है, उसका हेड नीचे है कि उल्टा है कि सीधा है, या आवल नाल के अलबट्टे तो नहीं लगे हुए हैं हेड के अराउंड। तो अगर आवल नाल के अलबट्टे हैं तो वो हो सकता है कि बच्चे का हेड को डिसेंड करने में या नीचे आने में दिक्कत करे, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कम है। और हीमोग्लोबिन रिपीट किया जा सकता है, अगर वो कम था तो आयरन टैबलेट से काम चल जाए, तो अदरवाइज कभी कभी इंजेक्शंस लगा के या फिर कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पूरे तीनों ट्राइमेस्टर्स में बहुत ही ज़रूरी है। पैरों में सूजन एक आम बात है, तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का सिम्टम भी हो सकता है, और वो हाई ब्लड प्रेशर या प्रोटीन की कमी का संकेत भी हो सकता है। कब्ज महिलाओं को रह सकता है। सोना है तो ये डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको उल्टे हाथ की करवट सोई है, उससे बच्चे का फीटस का ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है, बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलता है। और रेस्ट प्रॉपर ज़रूरी है, 2 घंटे दिन में और रात में 8 घंटे, तो इस तरह से प्रेगनेंसी में 8 से 10 घंटे का रेस्ट ज़रूरी है। पहले 3 महीने में पेशेंट को बहुत नींद सी आती है, थकान है, तो ये सब नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैरों में दर्द, डॉक्टर आपने बताया कि है ना आराम में, लोगों के मन में जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके मन में धारणा बन जाती है कि मेंटलिटी एक कहते हैं कि ज़्यादा आराम करने से कि हमें अब प्रेग्नेंट हो गए हैं कि अब हमें ज़्यादा आराम करना चाहिए, तो क्या ज़्यादा आराम सही रहता है? बिल्कुल नहीं, आप फिजिकली एक्टिव रहिए जितना आप एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक कुदरत का एक नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई घबराने की, या एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें आप अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ करते रहिए, क्योंकि उससे फिर आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो रीगर्ज होने की एसिड जो बनता है वो, क्योंकि वो प्रेशर डालेगा
इधर ईसोफेगस पे, तो वो खट्टी डकारें आना, ये सब सिम्टम है। तो रेस्ट करने से तो और ये सब प्रिसिपिटेट होगा, अनलेस कोई वैसी कंडीशन नहीं है जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि आवल नाल बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे आ गई है, तो अदरवाइज़ ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एसिडिटी वगैरह है तो और उल्टा हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, और इवनिंग दोनों टाइम खाने के बाद थोड़ा टहलना है, स्पेशली इवनिंग में जी, ताकि उनके जो एसिडिटी है वो सब की प्रॉब्लम्स रिलीज हो सके। डॉक्टर, जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए वॉक कितनी मायने रखती है? वॉकिंग इज, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो महिलाएं पहले से एक्सरसाइज कर रही हैं, थोड़ा सा प्राणायाम या योगा कर रही हैं, तो वो भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उससे भी जो पेल्विस के डायमीटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बैलेंस ट्रेनिंग करनी है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, थोड़ी सी माइल्ड एरोबिक एक्सरसाइजेस भी की जा सकती हैं, तो जिससे कि पेशेंट एक्टिव भी रहेगी, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं रहेगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और घर का काम करना वो भी एक एक्सरसाइज के बराबर ही है, जैसे कि अगर कोई पोछा लगा रहा है तो वो सब भी बहुत अच्छा है। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर कि लोग है ना, कभी कभार अपने डॉक्टर को चेकअप ना करा के, आजकल बाजार में मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उसी से अपना चेकअप करके अपना एड, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं इसके बिल्कुल क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कि लास्ट के कुछ दिनों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या लोग दाइज या अनट्रेन नर्सेस के पास जाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो लास्ट मोमेंट पे आपको रेफ़र कर देंगी, तो उससे आपकी जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए प्रॉपर डॉक्टरी चेकअप ज़रूरी है, मिनिमम 4 चेकअप तो कराइए, नहीं तो 11 चेकअप आइडियली होने चाहिए। कि इसमें किस तरीके के चेकअप होते हैं? जैसे कि आपने बताया कि एक फर्स्ट प्रेगमेंटेशन, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, एक सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें किस तरीके की प्रेग्नेंट महिलाओं की किस किस तरीके से जांच की जाती है, उसकी डाइट कैसे होती है, ये सब तो ये मैंने आपको बताया ही था कि ब्लड टेस्ट कैसे हैं, हीमोग्लोबिन, अल्ट्रासाउंड कितना करना है। अगर जैसे एक ही अल्ट्रासाउंड पहले 3 महीने में नहीं हुआ है, पेशेंट पहले 3 महीने में आई ही नहीं है, तो उसका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो 4.5 महीने के लगभग करना चाहिए, 18 से 20 हफ्ते के अराउंड तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो फीटस है उसके सारे अंग बन जाते हैं, तो कोई भी अनुवांशिक बीमारी है उसको हम पकड़ सकते हैं। तो ये डिटेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे आपने ये अनुवांशिक बीमारी डिटेक्ट नहीं की है तो पेशेंट 9 महीने तक पहुंच जाएगी, तो इस तरह की बीमारी वाला बच्चे को जन्म देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सही टाइम पे अगर पता चल जाए कि बच्चे में कोई ख़राबी है, रीढ़ की हड्डी में फोड़ा है या उसका हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज संभव हो सकता है, और अगर अबॉर्शन की ज़रूरत हो तो वो भी कराना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसी बीमारी है जिसमें कि सर्वाइव नहीं कर सकता बच्चा, आगे ग्रो नहीं कर सकता, तो इसलिए टाइमली चेकअप और भी ज़रूरी है। कोई इन्फेक्शन हैं तो उनको ट्रीट कर सकें, अगर यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो, क्योंकि अगर यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं ट्रीट किए जाएँ तो वो हो सकता है ऊपर किडनी में चले जाएँ, या फिर डायबिटीज़ है, टाइमली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, वो पता चल जाए तो डायबिटीज़ का इलाज हो सकता है, हेपेटाइटिस है या HIV है तो उनका रजिस्ट्रेशन, और जिस तरीके से फिजिकल चेकअप फिजिशियन से हो सकता है। डॉक्टर, कई बार लोगों के मन में धारणा होती है कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये सही है? लोग करवाते नहीं है अल्ट्रासाउंड का? ये बिल्कुल गलत है, मिनिमम 3 अल्ट्रासाउंड तो होने ही चाहिए, तीनों ट्राइमेस्टर्स में एक एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ने ग्रेव्स अभी तक जो रिसर्च है उसमें पता चला है कि बच्चे पे कोई हार्म नहीं डालती है। तो डॉक्टर, इसमें हमें अगर कहते हैं कि खाने में पपीता नहीं खाना चाहिए, क्या ये सही है? जो रॉ पपीता होता है, ये जो कच्चा पपीता होता है, वो कुछ हद तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा सकता है, यानी कि यूट्रस के पेन्स बढ़ा सकता है, तो ऑब्वियसली अगर वो कम हफ्तों में पेशेंट होगा तो पेन्स बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है कि
प्री टर्म लेबर वगैरह हो जाए, लेकिन अगर जो राइप पपीता है, जो पका हुआ पपीता है, उससे ऐसा कुछ गलत धारणा है, ये उससे कोई ऐसी प्री टर्म लेबर जैसी संभावना नहीं रहती है। तो सारे फ्रूट्स ऑप्टिमम मात्रा में खाने चाहिए, बहुत अति सर्वत्र वर्जित है। डॉक्टर, इसमें प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके से अपने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए वो क्या क्या करें, इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कई तरह की हैं कि जर्नी जो है ट्रेन जर्नी सेफर देन रोड जर्नी, एरोप्लेन्स में भी जर्नी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 3 मंथ्स में जनरली अवॉइड करें, अनलेस बहुत ज़रूरी नहीं हो। और कुछ लक्षण हैं जैसे कि अगर पेशेंट को पानी जाए या ब्लीडिंग जाए या बच्चा कम घूमे, तो उसको तुरंत डॉक्टरी चेकअप कराना चाहिए, ताकि अगर वो किसी भी चीज़ का संकेत है, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग है, तो उसे टाइमली ट्रीट किया जा सके और जच्चा बच्चा दोनों की जान को बचाया जा सके। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर हैं SN मेडिकल कॉलेज में, जिनके साथ आज हमने चर्चा करी कि किस तरीके से प्रेग्नेंट लेडी को किस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, उन्हें क्या क्या बचाव करने चाहिए, किस किस तरह से हमें चेकअप कराने चाहिए, टाइम टू टाइम हमें चेकअप कराने चाहिए, और जरा सी भी आपको परेशानियां दी गए तो तुरंत ही आप चिकित्सीय परामर्श लें। और इसी चर्चा को हम बरकरार रखते हुए एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।